एल्विश यादव ने उड़ाया मुनावर फारूखी का मजाक। एल्विश ने कहा, टिंडर पे मुनावर मैच हो रहा है। बिल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एल्विश यादव को बिग बॉस के ओटीटी के सीजन 2 में देखा गया था। इस शो में एल्विश यादव ने एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री मारी थी और एल्विश के आते ही शो का गेम पूरी तरीके से बदल गया था। एल्विश ने आते ही शो के बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया था। शो में मनीषा के साथ भी एल्विश की बॉन्डिंग को काफी पसंद की जा रही थी और मनीषा और एल्विश को एक साथ देख फैंस बेहद हैप्पी होते थे। इस शो से एल्विश यादव को खूब नाम, शोहरत, पॉपुलैरिटी सब कुछ मिला और एल्विश की फैन फॉलोइंग तो इतनी बढ़ी कि आज एल्विश जो भी करते हैं उसमें ट्रेंडिंग पर चले जाते हैं। इन दिनों बिग बॉस 17 का खूब नाम हो रहा है। जल्द ही बिग बॉस 17 का विनर भी मिल जाएगा, जिसे लेकर हर कोई अपना रिएक्शन दे रहा है। कई बार एल्विश ने मुनावर को लेकर भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने बताया कि मुनावर का गेम उन्हें पसंद नहीं आता है और वो शो में अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो है अभिषेक, और वो अभिषेक को ही जिताना चाहते हैं। उन्होंने कई बार अपने ब्लॉग में अभिषेक को सपोर्ट करते भी देखा गया था। हाल ही में एल्विश यादव ने अब एक बार फिर मुनावर फारूखी का मजाक बनाया है। दरअसल हुआ यूं कि एल्विश यादव ने एक व्लॉग शेयर किया जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ कहते हैं कि चलो टिंडर डाउनलोड करते हैं, और इस तरीके से वो डेटिंग ऐप डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे वो मैचेस ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें उनके दोस्त को मुनावर फारूखी का मैच दिख जाता है और जिस पर वो लोग मजाक बनाने लगते हैं, देखो इसके साथ तो मुनावर का मैच हो रहा है, और फिर कहते हैं कि चल इसको राइट स्वाइप कर दे। और इस तरीके से एल्विश ने मुनावर का मजाक अपने व्लॉग में उड़ाया। आपको बता दें कि मुनावर फारूकी को लेकर ऐसी खबरें थी कि मुनावर फारूकी डबल डेटिंग करते हैं, दो दो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थी, कई सारी लड़कियां उनके साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, और इस तरीके से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी मुनावर पर आरोप लगाया था। आयशा जो कि बिग बॉस में आई थी, उन्होंने भी मुनावर को लेकर खूब सारी उनकी धज्जियाँ उड़ाई थी। तो इस तरीके से मुनावर का मजाक और उनके कैरेक्टर पर बात तो की गई है, और अब जिस तरीके से एल्विश यादव ने भी अपने ब्लॉग में मुनावर का मजाक उड़ाया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एल्विश भी नहीं चाहते हैं कि वो शो का विनर बने, और इस वजह से एल्विश भी मजाक मुनावर का उड़ाते नजर आते हैं। बिल क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, क्या आपको भी लगता है कि इस शो का विनर मुनावर फारूकी ही बनने वाले हैं? हमें कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएँ।